हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों देखिए, ये इन्वर्टर है, रिपेयर होने के लिए आया हमारे पास। तो ये देखिए, इसमें जो जो पार्टी है उसने जैसे बताया कि इन्वर्टर जो है ओवरलोड और बैटरी लो का जो है सिग्नल बताने लगा था यहाँ पे। तो दोनों जो है एक ही साथ जो है बैटरी लो और ओवरलोड दोनों का सिग्नल जो है बता रहा था और कंटिन्यू बीप दे रहा था। और यहाँ पे देखिए का मेंस जो है एसी सप्लाई आने पर भी जो है मेंस यहाँ पे दिखा नहीं रहा था, और ना ही इसका जो ऑन ऑफ का जो बटन है उसको हम उसका जो फंक्शन होता है फंक्शन यहाँ पे जो है जब ये ओवरलोड बैटरी लो का सिग्नल बता रहा था तो ऑफ ही नहीं हो रहा था। बटन को प्रेस करने के बाद भी इन्वर्टर जो है ऑफ नहीं हो रहा था और ना ही इसमें जो है मेंस जो है आ रहा था। तो ये देखिए, ये फ़ैन आप देख सकते हो, ये फ़ैन जो है हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो ये होता क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कोई भी इन्वर्टर में जो है ख़राबी नहीं है, इसका जो सर्किट है यहाँ पे ख़राबी नहीं है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये फ़ैन जो है ख़राब हो चुका है। तो ये ख़राब होने पर देखिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, काफ़ी गर्म है, गर्मी हो रहा है, और जो है बिना इन्वर्टर का जो है चलना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे बिजली काफ़ी ज़्यादा जो है कटआउट होता है। तो इसमें होता क्या है, जब ये इन्वर्टर जो है गर्म हो जाता है, तो गर्म होने पर देखिए, और गर्म होने के बाद क्योंकि यहाँ पे इसका फ़ैन जो है काम नहीं कर रहा है, तो ये ज़्यादा हीट होने की वजह से जो है ये ओवरलोड बैटरी लो का सिग्नल बता देता है। तो अगर इस तरह से हो रहा है, दोनों ओवरलोड बैटरी लो का सिग्नल बता रहा है, तो इन्वर्टर का ऊपर जो है थोड़ा सा हाथ रख करके आप जो है देख सकते हो, इन्वर्टर जो है अगर ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आपको समझ लेना है कि आपका फ़ैन जो है यहाँ पे ख़राब हो चुका है। इसके लिए ये जो है बैटरी लो ओवरलोड का सिग्नल बता रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये हीट सिंक का साथ जो जुड़ा हुआ है ये सेंसर है, तो ये सेंसर जो है ये जब ये हीट सिंक में जो है काफ़ी जब जो है जब हीट हो जाता है और ये फ़ैन जो है काम करना बंद कर देता है, तो तुरंत ये पीसीबी में जो है वो सिग्नल भेजता है आईसी में। उसके बाद जो है सामने आपका डिस्प्ले में जो है बैटरी लो ओवरलोड का जो इंडिकेटर है दोनों जो है एक साथ जो है चलने लगता है, और उसके बाद जो है इन्वर्टर का जो ऑन ऑफ का जो फंक्शन है ये भी काम करना बंद कर देता है। तो उसमें जो है मेंस भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको जो है इसको कैसे बंद करना है, तो बंद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप अगर इन्वर्टर को जो है आप दोबारा चला सकते हो जब तक आप इसका जो फ़ैन है जब तक चेंज नहीं करोगे। तो उसमें आपको क्या करना है, इसका जो बैटरी का जो प्लस और माइनस है उसमें से जो है कोई भी एक जो है आपको जो है निकाल देना है, एसी सॉकेट को ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद बैटरी का टर्मिनल में प्लस या माइनस किसी को भी आप जो है निकाल देना है। निकालने के बाद सामने जो ओवरलोड बैटरी लो का जो इंडिकेशन आपको जो है इन्वर्टर में दिखा रहा था वो बंद हो जाएगा, बीप का साउंड भी जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्टर को जो है थोड़ा सा 20-30 मिनट आपको जो है बंद करके रख देना है, चलाना नहीं है। अगर फ़ैन आप कहीं से जुगाड़ कर सकते हो तो फ़ैन जो है ला करके आप लगा सकते हो, और फ़ैन को भी जो है लगाने से पहले जो है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कि कैसे चेक करेंगे, देखिए ये फ़ैन इसका पुराना वाला ख़राब हो चुका था, ये निकाल करके हमने रख दिया है और नया फ़ैन हमने लगा दिया है। तो सोचा कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ। तो ये देखिए, ये पुराना वाला फ़ैन है, इसको मैं ये 12 वोल्ट का बैटरी है, इसको देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, फ़ैन में जो है कोई भी हरकत नहीं है, यानी कि हमारे फ़ैन जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो ये देखिए, उसको कैसे चेक करेंगे, आपका कंफर्म कैसे करेंगे फ़ैन ख़राब हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए देखिए आपका जो बैटरी का जो टर्मिनल है प्लस और माइनस, तो उसको जो आप खोल देंगे, खोलने के बाद जो है थोड़ा सा इस तरह से जो इसका प्लस और माइनस है दोनों को जो है बैटरी के साथ जो है लगा लेना है। और लगाते समय जो है लगाते ही आपको देखना है कि ये देखिए आपको फ़ैन में देखना है यहाँ पे, ये जब बैटरी के साथ पहली बार अगर कनेक्ट करेंगे तो फ़ैन जो है थोड़ा सा यहाँ पे मूव करने लगेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो जगह बैटरी को जैसे ही हमने प्लस माइनस टच किया और फ़ैन यहाँ पे कुछ टाइम चला और बंद हो गया। ये चीज़ आपको चेक करना है, आपका बैट फ़ैन अगर चल रहा है तो फ़ैन बिल्कुल सही है, अगर फ़ैन नहीं चल रहा है तो आपका फ़ैन जो है ख़राब हो चुका है, आपको चेंज कर देना है। तो आप अगर फ़ैन जुगाड़ नहीं कर सकते हो तो इन्वर्टर को जो है इस तरह से जो जैसे कि मैंने बताया प्लस या माइनस में से जो है किसी एक को आप निकाल करके रख दीजिए, आपका सामने का जो ओवरलोड बैटरी लो का सिग्नल है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करके जो है आप लगाइए, इन्वर्टर जो है दोबारा से चलने लगेगा।
तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये अगर आपका भी इन्वर्टर जो है कभी जो है इस तरह से बैटरी लो ओवरलोड का दोनों का जो इंडिकेटर है दोनों जो है ग्लो कर रहा है एक साथ, और जो है इन्वर्टर कंटिन्यू बीप कर रहा है और इसमें जो है आउटपुट वगैरह भी नहीं दे रहा है ना ही इसमें मेंस एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद जो है इसका जो ऑन ऑफ बटन है उसको प्रेस करने के बाद भी अगर इन्वर्टर ऑफ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ देख लेना है, इन्वर्टर के ऊपर थोड़ा सा हाथ रख करके आपको देख लेना है। इन्वर्टर अगर ज़्यादा गर्म है बहुत ही हीट है तो आपको समझ लेना है यहाँ पे आपको फ़ैन जो है ख़राब हो चुका है। तो उसको कैसे ऑफ़ करेंगे इन्वर्टर को, तो आप बैटरी का जो टर्मिनल होता है उसको कोई भी प्लस या माइनस को जो है निकाल दीजिएगा, निकाल करके इन्वर्टर को दोबारा से कनेक्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम वेट करके 20 या 30 मिनट वेट करके कनेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपका इन्वर्टर जो है दोबारा से चलने लगेगा, लेकिन आपको जो है फ़ैन को चेंज कर लेना है अगर इस तरह से गर्म हो रहा है तो, ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जो है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।